हेलो फेलोज, वेलकम टू डी मेड। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड फ्रॉम बी आर पैथोलॉजी। सो व्हाट्स मेल न्यूट्रिशन? फर्स्ट, मेल न्यूट्रिशन इज व्हेन अ पर्सन इज नॉट हैविंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड द वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ। सो इनमें जो है दो तरह की जो है मेल न्यूट्रिशन जो है वो होती हैं। एक होती है एन एफ्लुएंट कंट्रीज में, यानी कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हमारा मतलब पाकिस्तान। देन अच्छा, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यूजुअली जो वो नहीं होती है, बहुत कम पाई जाती है। ख़ासतौर पर उन लोगों में होती है जो अल्कोहलिक होते हैं या फिर जो जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, उनके पेशेंट में जो है वो मल न्यूट्रिशन होती है। अदरवाइज जो है वो इतना फ्रीक्वेंटली आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन कंपैरेटिवली मोर कॉमन। और दो तरह की होती हैं, एक होती है मेरास्मस और दूसरा होता है क्वाशियोरकर। मेरास्मस में क्या होता है कि जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब डिफिशियंट होते हैं अलोंग विद द प्रोटीन एंड अलोंग विद अदर कैलोरीज। और इसमें जो है वो जो बच्चे इफेक्ट होते हैं वो लेस देन 1 ईयर ओल्ड होते हैं, यंग होते हैं बिल्कुल, जो इनको मदर फीड नहीं मिल रही होती। ऐसे बच्चों में क्योंकि जो है वो प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है प्लस बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी कम है, तो उसकी वजह से जो है वो ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, मसल नहीं बनेगा क्योंकि प्रोटीन नहीं है, और इसके अलावा जो है वो सबक्यूटेनियस फैट भी नहीं होता। तो बिल्कुल सूखे सूखे से जो है वो बच्चे जो है वो आपको नज़र आएंगे मेरास्मस में। क्वाशियोरकर में ऑन अदर हैंड जो है वो क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। तो इसमें जो है वो ये होता है कि ऐसे बच्चे जो है वो 1 साल से बड़े होते हैं, वो बच्चे जो खाना पीना अपना स्टार्ट कर चुके होते हैं लेकिन प्रॉपरली न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रही होती। और इन बच्चों में जो है वो क्या होता है, आप क्वाशियोरकर वाले जो बच्चे देखेंगे तो उनमें एक तो ये कि फैटी लिवर होगा, दूसरा एनीमिया, फिर मैल एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है क्योंकि एट्रोफी होती है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई की। ऑलराइट, लेकिन जो दो की फीचर्स हैं उसमें सीवियर एडिमा है और दूसरा है डी पिगमेंटेड बैंड्स। सीवियर एडिमा क्यों होता है? सीवियर एडिमा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। प्रोटीन जब डिफिशियंट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब भी ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो है वो जो फ्लूड है, जो प्लाज्मा है, वो ऊज आउट होना शुरू हो जाता है और जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है कैलोरीज में, और जो फ्लूड जब ऊज आउट होता है और टिश्यूज़ में जाता है तो वो कॉज करता है एडिमा। तो इन बच्चों में जो सीवियर एडिमा मिलेगा। डी पिगमेंटेड बैंड्स होते हैं, डी पिगमेंटेड बैंड्स यानी कि जब वो पेल स्ट्रीक्स होती हैं इन द स्किन एंड हेयर। ऑलराइट, सो ये इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर को। ये काफ़ी पूछा जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं बच्चों की और जो है वो आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा क्वाशियोरकर है, कौन सा जो है वो मेरास्मस है। मूविंग ऑन, ओके, सो विटामिंस जो है दो तरह के विटामिंस होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिंस होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिंस होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिंस में जनरली जो है वो जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस हैं वो सब आ जाते हैं। इसके अलावा जो है फॉलिक एसिड और विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अच्छा, जितने भी सब विटामिंस हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, आपको उनको जो है वो अपनी डाइट में जो है वो लेना पड़ता है। रेगुलर इनटेक जो है वो ज़रूरी होता है, एक्सेप्ट फॉर विटामिन B12 जो कि लिवर के अंदर स्टॉक होता है और जो है वो इतने सफिशियंट अमाउंट में जो है स्टोर हुआ हुआ होता है कि लाइक आपको मंथ्स लगते हैं कि अगर आप वो नहीं ले रहे कई मंथ्स तक तो जाके आपको उसकी डिफिशियंसी डेवलप होगी, अदरवाइज डिफिशियंसी डेवलप नहीं होती है। विटामिन B12 ओनली, बाकी सब विटामिन जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में जो है जो विटामिन बी की और फॉलिक एसिड विटामिन सी की वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी वजह से जो मैनिफेस्टेशन आती हैं, जो कि सारी जो डिजीज़ आती हैं वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये है कि आपने आगे थ्योरी में से पढ़ लिया या चार्ट में से पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट यू शुड नो अबाउट दिस चार्ट। इसमें सब में वही लिखा है जो हम आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो अगर आपने जो चार्ट से आपको ईजी है तो आप चार्ट से याद कर सकते हैं। सो डाइट्री सोर्सेज क्या क्या हैं? डाइट्री सोर्सेज में बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस जो है वो एक्सेप्ट फॉर B12 ज़्यादातर जो है वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेंगे, और उसके अलावा मीट में, मतलब ये कि एनिमल और वेजिटेबल दोनों ओरिजिन जो है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही, एक्सेप्ट फॉर B12, चूँकि B12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ
कहाँ से आता है, एनिमल ओरिजिन से। एंड इसके अलावा जो है फॉलिक एसिड है, जो कि वेजिटेबल से, फ्रूट से, सीरियल से और एनिमल प्रोडक्ट से जो है वो मिलता है। विटामिन सी, हमें मालूम है सिट्रस फ्रूट्स में जो है विटामिन सी होता है। इसके अलावा वेरियस मीट्स में, वेजिटेबल्स में और मिल्क में भी विटामिन सी की प्रेजेंस जो है वो होती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 की जो है सोर्सेज जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी भी जाती हैं। और बाकी जो है वो विटामिन सी का तुम्हें पता ही कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में जो है वो मिलता है। अगर डिफिशेंसीज होंगी तो क्या इसकी मैनिफेस्टेशंस होंगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में ज़्यादातर जो डिफिशेंसीज होती हैं वो ग्लॉसाइटिस, डर्मेटाइटिस और डायरिया है। ऑलराइट, बट टू बी स्पेसिफिक अगर जाएँ तो विटामिन B1 अगर है थायमिन डिफिशियंसी तो वो ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है अगर बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन हो, सीवियर मेल न्यूट्रिशन के साथ जो है वो थायमिन डिफिशियंसी मिलती है। तीन तरह की इसमें जो है वो मैनिफेस्टेशन आती है, एक होता है ड्राई बेरी बेरी, दूसरा वेट बेरी बेरी, या फिर वंडनिक कॉर्फ सिंड्रोम। ड्राई बेरी बेरी में क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है विद रिजल्टेंट एट्रोफी ऑफ द मसल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। ऑलराइट, तो ये जो है थायमिन आपका जो है न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा होता है, किसकी डिफिशियंसी जैसे न्यूरॉन्स अफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली जब न्यूरोपैथी होगी कोई मसल काम ही नहीं करेगा तो फिर वहाँ पर मसल वेस्टिंग हो जाएगी। दूसरा हमारे पास होता है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी में क्या होता है कि हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है, दैट मीन्स के जो है, और ये होता है इस वजह से है कि यहाँ पर आर्टीरियो वेनस शंटिंग जो है वो हो जाती है, पेरिफेरल वेन्स जो है वो डायलेटेड होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, शंटिंग वैसे हाइपरवोलीमिया होता है, कार्डियक डायलेशन होती है। वजह यह है कि जब आर्टीरियोवेनस शंटिंग होगी तो फिर जो आर्टीरियल ब्लड है वो इंस्टेंट के जो वो सब जगह पहुँचे वो वापस वेन्स में शंट होना शुरू हो जाएगा। एंड जो है वो प्रीलोड जो है वो बढ़ जाएगा, प्रीलोड बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली हार्ट का फंक्शन बढ़ गया, हार्ट जो है वो डायलेट होगा ताकि जो उसको अकोमोडेट कर सके। एंड और उसके साथ में जो है वो उसको बाकी पेरिफेरीज पे पहुँचाने के लिए जो है वो उसको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। सो कार्डिक डायलेशन की वजह से उसको ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर की तरफ जो है पेशेंट जा रहा होता है इन वेट बेरी बेरी। एंड वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में जो है क्या होता है कि यहाँ पर हेमरेजिक लीजन्स बन जाते हैं इन द कॉर्टिकल एंड बाइलेटरल पैरामीडियन मैसेज ऑफ ग्रे मैटर एंड द मेमिलरी बॉडीज। सो इसके अंदर बेसिकली डिजनरेटिव चेंजेस हो रही होती हैं ब्रेन स्टेम में और डायन्सेफेलॉन में, और इस साथ में जो है वो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि हेमरेजिक लीजन आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर डिफेक्ट होता है ब्रेन स्टेम में, डायन्सेफेलॉन में और इसके अलावा जो है वो मेमोरी बॉडीज़ में, तो फिर जो है वो इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसमें ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एटैक्सिया, कन्फ्यूजन, इन सब के साथ आता है जिसको हम वर्निक स्ट्राइड कहते हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो पेशेंट को जो है वो मेमोरी लॉस की भी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन जो एक वर्निक स्ट्राइड है इट शुड बी रिमेम्बर्ड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्निक स्ट्राइड इज कन्फ्यूजन एटैक्सिया एंड ऑफ्थेल्मोप्लेजिया विच इज़ वर्निक स्ट्राइड, जो कि वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में जो है वो हमें मिलता है। सो नेक्स्ट वी हैव विटामिन B2 विच इज़ राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, चिलियोसिस, ग्लॉसाइटिस, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, सेबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ फेस, स्कॉटम एंड वल्वा। एंड ये जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी अनकॉमन है, और क्योंकि जो है वो अक्सर ब्रेड वगैरह में और सीरियल्स में जो है वो विटामिन B2 जो है वो ऑलरेडी एडेड होता है आर्टिफिशियली, सो इट्स रेयरली कि राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी हो किसी में। लेकिन बट ये MCQ पहले आ चुका है कि यू हैव अ पेशेंट जिसको चिलियोसिस है, यानी कि स्किन फिशर्स एट द एंगल ऑफ माउथ, ग्लॉसाइटिस, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन के साथ वो आया है, उसको डर्मेटाइटिस भी है, तो क्या होगा? तो अगर जहाँ पे कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन का वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स कि वो राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी की वजह से उसको हो रही है, क्योंकि क्रॉनिक डिबिलेटिंग डिजीज में जो है वो पेशेंट्स को जो है वो हो जाती है राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, सो वी मस्ट नो इट। एंड एल्डरली पेशेंट्स में भी होती है, तो फिर इट्स नॉट दैट रेयर इन अवर काइंड ऑफ सेटिंग। विटामिन B3 यानी नियासिन डिफिशियंसी, ये तब होती है अगर जो है वो आपकी डाइट में नियासिन और ट्रिप्टोफैन दोनों कम हो, और अगर जो है वो नियासिन डिफिशियंसी किसी को हो गई है तो दैट मींस कि उसको जो है वो निकोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD एंड NADP के का जो कंपोनेंट है नियासिन,
वो भी नहीं बनेगा। और इसकी वजह से जो इजेंशियल हमारे पास ग्लाइकोलिसिस ट्रिक एसिड साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट NAD NADP है फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो भी नहीं प्रोवाइड हो सकेगी। जब इस तरह का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा तो प्लेटलेट के साथ प्रेजेंट करता है, यानी जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं वहाँ पर उसको डर्मेटाइटिस होता है। इसके अलावा डिमेंशिया और डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो सो देर आर 3 Ds इन प्लेग्रा एंड प्लेग्रा इज़ इन नियासिन। सो 3 Ds आर डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डर्मेटाइटिस होगा वो एक्सपोज पार्ट पर होगा, यानी कि फेस, नेक एंड डॉट्स ऑफ हैंड एंड फीट, वहाँ पर इसे डर्मेटाइटिस होगा। देन वाइटमिन B6 जो है वो पायरोक्सिन डिफिशेंसी है जो कि कन्वर्जन कॉज करती हैं इन्फेंट्स में। और इसकी वजह ये है कि ये जो है जो पायरोक्सिन है वहाँ वो इम्पॉर्टेंट होता है पायरोडॉक्सल डिपेंडेंट ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज के लिए, जो कि जो है क्या करता है कि वो गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड की जो वो फॉर्मेशन में जो वो हेल्पफुल होता है। अगर जब उसकी पैराडॉक्सिकल डिपेंडेंट जो ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिल की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो गाबा की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और इस वजह से पेशेंट जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको कन्वर्जन आते हैं, राइट। अच्छा, कुछ कंडीशन है जिसमें जो है वो डिफिशेंसी हो जाती है। एक हो गया कि अगर कोई जो है वो INH ले रहा है, दैट मीन्स कि ट्यूबिकुलस मेडिसिन जो है वो INH आइसोनेजिन या आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, जिसको हम आइसोनेजिड के नाम से जानते हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के साथ कोई पेशेंट है, या फिर जो है वो किसी की पैराडॉक्सिन की जो डिमांड है इंक्रीज हो गई, एज इन होमोसिस्टिनुरिया एंड पैराडॉक्सिन रिस्पॉन्सिव नहीं है। सो वहाँ पर जो है पैराडॉक्सिन एफिडेट डिफिशेंसी हो सकती है। वाइटामिन B12 कोबाल्टिन डिफिशियंसी जो है वो मार्क्ड तब होती है जब DNA रिप्लिकेशन और ओके सो कोबाल्टिन जो हमें नीड होती है DNA रेप्लिकेशन के लिए और सेल डिवीजन के लिए। और अगर ये ना हो तो फिर हमें DNA रेप्लिकेशन में जो है रिडक्शन आ जाएगी। इस कंडीशन में जब वो क्या होता है कि जब वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और साथ में जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो डिफिशेंसी जो है वो हो जाती है। इसके अलावा और दूसरी कुछ मेलन्यूट्रिशन है, जैसे क्रोन्स डिजीज हो गई, या फिर जो है वो ब्लाइंड लूप सिंड्रोम है, और डायफाइलोबैक्टीरियम लैक्टम जो कि फिश टेकवॉर्म्स को हम कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी वाइटामिन B12 डिफिशेंसी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी जो है वो मोस्टली जो है वो डाइटरी ओरिजिन है फॉलिक एसिड, लेकिन इसकी डिफिशियंसी में क्या होता है कि अगर जब वो इंटेस्टिनल मैलअब्सॉर्प्शन हो या फिर डाइट्री डिप्रीविएशन हो, या तीसरी वजह है कि डिमांड बढ़ गई है एज इन प्रेगनेंसी में जो है वो डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉलिक एसिड की। तो अगर फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पर भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा एज इन वाइटामिन B12, लेकिन फॉलिक एसिड डिफिशियंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड वॉट हैपन्स इन विटामिन सी, विटामिन सी में जो है वो डिफेक्टिव फॉर्मेशन होती है ऑफ मेसेनकाइमल टिश्यू, ऑस्टियोइड मैट्रिक्स ड्यू टू इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड डिफेक्टिव कोलेजन फिब्रिलोजेनेसिस कंट्रीब्यूट्स टू इम्पेयर्ड बोन हीलिंग एंड डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू।